दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। पर्यटन नगरी चायल व इसके साथ लगते जंगलों में इन दिनों भालुओं ने आतंक मचा रखा है। एक माह के भीतर भालुओं ने आधा दर्जन लोगों पर हमला बोल दिया है। गुरुवार को भी एक भालू ने जनेट घाट के समीप एक व्यक्ति पर उस समय हमला बोल दिया जब वो अपने पशुओं को जंगल में चरा रहा था। इस दौरान एक बैल भी अपने मालिक को बचाने के लिए भालू से भिड़ गया। वो भालू मौके से भाग खड़ा हुआ। यदि बैल भालू से न भिड़ता तो कोई भी बड़ी घटना घट सकती थी। क्षेत्र के लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि पर्यटन नगरी चायल व इसके साथ लगते जंगलों में जितने भी भालू हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़वाया जाए ताकि क्षेत्र के लोग चैन से सांस ले सके। पापा जी हटो जरा, आप दो मिनट। अक्षु पीयूषु हट तो, बहुत भारी हो वो तो, कौन से वन क्यों से ज्यादा था से बच्चे वाला ही है। बच्चा ही इस बच्चा उसे थोड़ा सा बच्चे कौन से छोटे वाला बड़े से बच्चे भी बड़े सही से जी है। हां ही से से कौन तो बड़े है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट। यदि आप गहनों के शौकीन हैं और खरीदारी की सोच रही हैं, तो अवश्य आए भूषण ज्वेलर्स। सोलन के भूषण ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषण का बेजोड़ खजाना, वो भी बेहद किफायती दामों पर। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की दुनिया का वो नाम है जो कम ही समय में नामी आभूषण निर्माताओं में शुमार हो गया है। भूषण ज्वेलर्स सोलन कर MD विनय गुप्ता का कहना है कि शादी विवाह के आभूषणों की खरीद व किटी अकाउंट खोलने पर ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि त्योहार के सीजन में ग्राहकों को एक इयॉन 5 स्कूटी व ढेरों इनाम दिए गए। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट दी जा रही है, तो देर किस बात की, अपनी सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए चले आए भूषण ज्वेलर्स सोलन।